दोस्तों, अगर आप अपने YouTube वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, जितने भी YouTube क्रिएटर हैं, जो भी नए YouTube क्रिएटर हैं और वे सोच रहे हैं कि भाई उनकी वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ पा रहे हैं, और जिनका चैनल मोनेटाइज है दोस्तों, वे तो इजीली अपनी वीडियो को प्रमोट कर लेते हैं, लेकिन वे कैसे करते हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों कि आपकी जो यूट्यूब चैनल की रीच है वो कैसे बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए थोड़ा पैसा लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मेरी वीडियो पर व्यूज कुछ खास नहीं आते तो मैं क्यों नहीं बढ़ा लेता, दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे को व्यू से इतना मतलब नहीं है जितना कि मुझे अपनी वीडियो से है और अपने टॉपिक से है और अपने चैनल से है। दोस्तों, मैं ज्यादा व्यूज नहीं चाहता। अगर मेरी वीडियो पर 60 व्यू आते हैं, 70 आते हैं, 100 भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप व्यूज से पहले एक बात ये जान ले कि YouTube सबसे पहले आपकी वीडियो को देखता है। जब आप अपनी वीडियो को पब्लिश करेंगे तो पब्लिश करने से भी पहले YouTube आपकी वीडियो को देख लेगा, तब आप उसको पब्लिश करते हैं और तब आपकी वीडियो पब्लिक में जाती है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरे लिए यही बहुत है कि मैं अपनी वीडियो जब पब्लिश करता हूँ तो मेरी वीडियो YouTube सबसे पहले देखता है और उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। खैर, इसको जोड़िए, आप अब जान लीजिए कि आप अपनी वीडियो को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, उस पर ज्यादा व्यूज कैसे ला सकते हैं। आपको थोड़ी मनी खर्च करनी पड़ेगी, और वो कहाँ खर्च करेंगे आप करेंगे दोस्तों गूगल एडसेंस में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बनाना आता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं गूगल एडसेंस की काफी वीडियो बना चुका हूँ अपने दूसरे चैनल पर भी और इस पर भी। तो आप बस अब प्लीज वीडियो प्रमोट करने का तरीका देखते जाइए, मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और ये गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया, और गूगल एडसेंस मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा ओवरव्यू 53,000 मेरे इंप्रेशंस हैं, और व्यूज जिसमें से मुझे मिले हैं 2.55 के, यानी कि 2,500 से ऊपर व्यू है। ये मैं आपको एनालिटिकल्स दिखा रहा हूँ, जो मेरा दूसरा चैनल है आरबीबी टेक, उस पर सेकंड व्लॉग मैकडोनल्ड्स पर देख सकते हैं। इंप्रेशन पड़े हुए हैं 21,296, और इसकी कॉस्ट मैंने जो पैसे पे किए थे वो 305.32, और इसका जो एवरेज सीपीवी आया था, यानी कि एक व्यू का मैंने कितना पैसा पे किया है, वो 0.25 है। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू कंपेनियन पर आप क्लिक करेंगे। न्यू कंपेनियन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा ये पेज हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट ए कंपेनियन विदाउट ए गोल ऑडियंस, और आपको वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पर इसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, कस्टम वीडियो कंपेनियन पर आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद जो फॉर्म यहाँ पे शो होगा वो आपको बहुत ध्यान से भरना होगा, क्योंकि उस फॉर्म की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और उस फॉर्म में आपको अपने वीडियो का लिंक वगैरह डालना होता है, आपकी जो आप जितने मनी चाहते हैं आप मनी उसमें डालना चाहते हैं, और जितने भी आप व्यूज चाहते हैं, आपकी जो ऑडियंस वगैरह है वो आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा जरा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से ये थोड़ा धीरे हो रहा है। कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा फॉर्म खुल चुका है, जहाँ पर कि मुझे वीडियो प्रमोट करनी है अपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके का फॉर्म होता है। सबसे पहले तो आपको ऊपर सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वीडियो कंपेनियन, यानी कि आपका कंपेनियन किस टाइप का है। वीडियो कंपेनियन है क्योंकि आपको वीडियो ही आपको प्रमोट करनी है, और यहाँ पर कंपेनियन नेम में आपको क्या लिखना है, आप अपनी वीडियो का नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैं करने वाला हूँ कैनन CANON कैनन 80D अनबॉक्सिंग। ओके, आप अनबॉक्सिंग लिख दीजिए इस तरीके से, और इसके बाद में आपका ये मैक्सिमम CPV, इसको तो आप ये रहने दीजिए, मैक्सिमम CPV रहने दीजिए। और इसके बाद में आपसे पूछ रहा है एंटर बजट, आप बजट बजट टाइप कर लीजिए जितना भी आपका बजट हो। मान लीजिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 80 रुपीज़ कर लेता हूँ फिलहाल, और ये स्टार्ट डेट 6 जून, क्योंकि आज 6 जून है, और एंड डेट मैं एंड डेट कर दूंगा दोस्तों, मेरे को चलाना है कंपेनियन मात्र 3 डेज, यानी कि आज का दिन और 7 जून, 8 जून, तो 8 जून तक कर लूँगा। इसके बाद में यहाँ पर आप कंपेनियन टोटल, यानी कि टोटल है आपका 80 रुपये बजट, यानी कि 3 दिन का, लेकिन मैं क्या करूँगा डेली कर लूँगा इसको। डेली से मतलब मेरे 80 रुपये, 80 रुपये डेली कटेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जाएंगे नेटवर्क्स में। नेटवर्क्स में आप क्या करेंगे, वीडियो पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क, इसको ऑफ कर देंगे और ये ऊपर कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी ये कंट्री सिलेक्ट हो गई है, लोकेशन इंडिया, और लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आपकी वीडियो है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जिसमें भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेरी हिंदी ऑलरेडी सिलेक्ट है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन्वर्टरी टाइप स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ही सबसे अच्छा होता है, मैं इसको ही रिकमेंड करूँगा, स्टैंडर्ड आप कर लीजिए। और दोस्तों इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ग्रुप के बारे में थोड़ा जानकारी देनी पड़ेगी, आपका वीडियो ग्रुप, और यहाँ पर आप नाम वही लिख दीजिए जो वीडियो का लिखा था, CANON कैनन 80D, यहाँ पर मैंने लिख दिया है।
और दोस्तों यहाँ पर आपका आता है डेमोग्राफिक्स, यानी कि एनी एज एनी, मतलब आप अगर अपने वीडियो की ऑडियंस नैरो करना चाहे तो यहाँ से आप नैरो कर सकते हैं। ये देखिए सब पर राइट लगा हुआ है दोस्तों। वैसे तो सिंपल सी बात होती है, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहते हैं तो आप कुछ भी नैरो मत कीजिए, जो भी इसने सेलेक्ट कर रखा है उसको सेलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट योर डेमोग्राफिक टारगेटिंग, आप ऑल सेलेक्ट रहने दीजिए। अगर आप चाहे तो 18-24 उम्र या फिर 25-34 उम्र आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप बंद कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर अब आता है आपका कीवर्ड्स, जो आप कीवर्ड्स यानी कि कैमरा कैनन कुछ इस तरीके से डाल लीजिए, मान ली मैं डाल लेता हूँ, जो भी आपका टॉपिक है वो आप डाल लीजिए। और ये मैंने यहाँ पर कर दिया है सर्च, और यहाँ पर दोस्तों आपको ये बहुत सारे टॉपिक देगा जो जो कि मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ये टैग होते हैं दोस्तों एक तरीके से, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है यहाँ से आप टैग ले सकते हैं अगर अपनी अदर वीडियो के लिए भी। तो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे टैग्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, कैमरा डिजिटल कैमरा कैनन निकोन कैमरा कैनन EOS कैनन 80D वीडियो कैमरा। तो आप इन सबको ऐड ऑल आइडियाज़ भी कर सकते हैं जैसे मैंने कर दिया है। अगर आप ऐड ऑल आइडियाज़ करते हैं तो एक तरीके से आपका जो वीडियो कंपनी है वो थोड़ा नैरो हो जाता है, क्योंकि जो भी बंदा इन टॉपिक्स को सर्च करेगा तो उसके सजेशन में ही वीडियो चली जाएगी। आपके जो टैग्स है जो भी आपने ऑल ऐड करे हैं इनमें से जो भी सर्च होएगा तो आपकी वीडियो उस टैग के साथ उस बंदे तक पहुंच जाएगी। तो फिलहाल मैंने टैग ऐड कर दिया है, आप अगर नहीं चाहते तो मत कीजिए। और मैं तो नहीं चाहता दोस्तों कि मैं इनको ऐड करूं, तो फिलहाल मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको रहने दीजिए, क्योंकि मेरे को तो बस फिलहाल व्यू से मतलब है, क्योंकि मैं वीडियो ही व्यू की बना रहा हूं। मैं दोस्तों यहां से इनको कट कर दूंगा। कट करने के बाद दोस्तों इनको इजीली ये बंद कर दूंगा। एनी कीवर्ड टॉपिक्स, अगर आप टॉपिक्स सेलेक्ट करना चाहें तो कोई भी टॉपिक्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फैशन या फिर कोई भी टॉपिक्स एजुकेशन वगैरह में आप जो भी लेना चाहें। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप जिस किसी पर भी टिक लगाना चाहें वहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो फिलहाल मैं तो नहीं लगा रहा टॉपिक्स, क्योंकि मेरे को तो बस व्यूज से मतलब है जैसे कि मैंने आपको बताया। आप चाहे तो आप लगा सकते हैं, वैसे कंपेनियन को ज़्यादा नैरो नहीं करना चाहिए, अगर कंपेनियन ज़्यादा नैरो करेंगे तो आपका जो पैसा है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आता है बिडिंग, मैक्सिमम CPV बिड, यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा मतलब हल्का ही रखना है, यानी कि 0.28 पैसा मैं रखूँगा प्रति व्यू का, यानी कि अगर मेरे वीडियो पर एक क्लिक होता है तो उसका 0.28 मेरा कट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो ये डायलॉग बॉक्स है यहाँ पर आपको अपनी उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करना है जिस वीडियो को आप प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अब वीडियो प्रमोट करने जा रहा हूँ और मैं अपना लिंक यहाँ से उठा लूँगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए मैंने इसका जो वीडियो है मेरी दूसरे चैनल पर उसका लिंक यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं दोस्तों, ये मैंने कॉपी कर लिया है। और इसके बाद में मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से, ये देखिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरी वीडियो आ चुकी है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये शो करेगा इधर की साइड पर कि आपका ये ऐड यूट्यूब पर किस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे स्किप ऐड वगैरह इस तरीके से करके आपका दिखाई देगा। और आप चाहे तो वैसे दोस्तों वीडियो डिस्कवरी ऐड भी क्लिक कर सकते हैं, मैं वैसे वीडियो डिस्कवरी ऐड ही क्लिक करूँगा क्योंकि ये अच्छा होता है, ये आपकी जो वीडियो है ये अदर वीडियो के नीचे शो होगी तो वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर आपको हेडलाइन भर लेना है, हेडलाइन कर लेंगे आप, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ CAN कैनन 80D कैमरा IRST फर्स्ट लुक, और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पर सब्सक्राइब माय चैनल, दोस्तों आप चाहे तो आप और अदर कुछ भी भर सकते हैं या फिर और कुछ भी लिख सकते हैं एज योर विश। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कैमरा कैनन 80D, और इसके बाद यहाँ पर आपका ऐड नेम पूछ रहा है तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दिए, मैं तो लिख रहा हूँ न्यू ऐड लिख रहा हूँ न्यू ऐड। तो
इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप दोबारा से एक बार चेक कर लेंगे और यहाँ पर इधर ये दिखा रहा है कि व्यूज़ आपके इतने पैसे में इतना अवेलेबल है जितना कि आपने बिड लगाई है और आपने अपना बजट रखा है, तो 1.14K से 4.2K तक, और इंप्रेशन आपके 41,000 से 89,000, और एवरेज CPV आपका 0.12 से 0.29 और 95% से 100% स्पेंडिंग है। यूनिक रीच दोस्तों 31,000 से 84,000 तक, और अवेलेबल इंप्रेशन आपके 6.4 बिलियन यानी दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, 6,000 मिलियन तक पहुंच जाते हैं लगभग। और दोस्तों अब इजीली आपका वीडियो प्रमोशन का जो मतलब काम था वो पूरा हो चुका है, यहाँ पर आपका फॉर्म भर चुका है और अब आप इसको इजीली क्रिएट कंपेनियन कर देंगे। क्रिएट कंपेनियन करते ही दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पेज शो होगा, वहाँ पर ही आपसे पूछेगा कि भाई आप श्योर हैं, आप मतलब इसको करना चाहते हैं, तो आपकी सारी की सारी जानकारी दे देगा और यहाँ पर आप कंटिन्यू टू कंपेनियन कर देंगे और आपका कंपेनियन यानी कि आपका एड वीडियो का एड अब लग चुका है। और हो सकता है दोस्तों उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाए, वैसे यहाँ पर आपको ये दिखा देगा, आपको ये मेल सेंड करेगा, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये मेल वगैरह सेंड आपको कर देगा। और दोस्तों स्टेटस फिलहाल एलिजिबल दिखा रहा है, लेकिन इसमें एलिजिबल एकदम नहीं होता, लगभग 3 घंटे या फिर 4 आवर्स आपके लग जाते हैं इसको एलिजिबल करने में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको पता भी लग गया होगा कि वीडियो को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, और अब आप वीडियो प्रमोट कर सकेंगे। ये केवल उनके लिए है दोस्तों जो पैसा लगाने को तैयार हैं, जो पैसा लगा सकते हैं, तो वे ही केवल इस मेथड को अपनाएं, और कोई बंदा ना अपनाए, और अपनी मेहनत से आप अपने व्यू कमा सकते हैं। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।